सर, प्रेमनगर में कुछ मुठभेड़ के दौरान आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या मामला है, किस तरह वारदातों को अंजाम देते थे? देखिए, कल रात में मुखबिर खास से थाना प्रेमनगर पुलिस के पास ये सूचना आई कि कुछ अंतरजनपदीय संदिग्ध बदमाश थाना प्रेमनगर क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आरपीएफ बैरिक के पास से गुजरने वाले हैं। इस पर इंस्पेक्टर प्रेमनगर के नेतृत्व में थाना प्रेमनगर की टीम के द्वारा वहां पे कॉम्बिंग की गई। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश आते हुए, दो संदिग्ध आते हुए दिखे, जिस पर पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। इस पर रुकने के स्थान पर वो लोग गाड़ी छोड़कर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागे। इस पर पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा भागने के दौरान गिरकर चोटिल हुआ और पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटनाओं को अंजाम देते थे शहर में कैसे? देखिए, इनके द्वारा जो बेसिकली चेन स्नेचिंग की घटनाओं का अंजाम दिया गया है, जिसमें कोई बुजुर्ग या कोई महिला टहल रही है तो ये लोग उस पर झपट्टा मार के चेन स्नेचिंग करके ये लोग घटनाओं का अंजाम देते थे। देखिए, इस बारे में सर्राफ और ये जो ये सोने चांदी के सामान जो ये लूट करके ले जाते थे, इसको कहाँ बेचते थे, इस बारे में जानकारी की जा रही है और इसके बाद जो भी साक्ष्य संकलित होगा उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हुआ है इनके पास से, और क्या ये बाहर से आते थे, घटनाओं का अंजाम देके निकल जाते थे, क्या अभी तक का? देखिए, ये अंतर जनपदीय बदमाश हैं, इनके ऊपर कानपुर देहात, उन्नाव, एटा, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में लूट की घटनाओं का अंजाम देने के लिए अभियोग पंजीकृत है। गैंगस्टर का भी अभियोग इनके ऊपर पंजीकृत है और ये लोग लूट की घटनाओं को बेसिकली अंजाम देते थे। क्या ये महिलाओं को सिर्फ टारगेट करते थे और नहीं, महिलाओं को नहीं, ये लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, जो भी इनके सॉफ्ट हैंड पे आ गया उसको ये वहाँ ये घटनाएँ कारित कर देते थे। ठीक, थैंक यू।